नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं राहुल गांधी को लेकर। जी हां, राहुल गांधी जो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई और कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर 99 हुई, उसके बाद से न केवल राहुल गांधी लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष बने हैं बल्कि अपने भाषण में बहुत ज्यादा आक्रामकता भी दिखा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को तुर्की बतुर्की जवाब भी दे रहे हैं। उन्होंने यहां तक कहा है नरेंद्र मोदी जी से डरने की कोई जरूरत नहीं है और यह सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अपने भाषण के दौरान उन्होंने यहां तक चुनौती दे डाली कि इस बार आपको हम गुजरात में हराएंगे। और अब जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, उस दिन राहुल गांधी गुजरात पहुंचे, वहां जाके उन्होंने बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को खुली चुनौती देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को तैयार करने का काम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब वो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हराने का काम करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, जिस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब हमें तलाशने चाहिए। पहला तो ये, क्या राहुल गांधी एक बड़े नेता के तौर पर अब देश के अंदर एस्टैब्लिश हो गए? दूसरा, क्या वो वाकई में अब नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं? तीसरा, क्या आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे वो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी होगा? क्योंकि बीजेपी पहले चाहती कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो क्योंकि उनको लगता था कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट होंगे, लेकिन क्या अब भी वो वैसा ही महसूस करते हैं? और आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी अपनी आक्रामकता को लेकर कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से खड़ी कर रहे हैं, उनमें नई जान फूंक रहे हैं, उसको री इन्वेंट कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब हम तलाशेंगे। इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलेंगे बेंगलुरु, जहां इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संदीप शास्त्री जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है लोकनीति नेटवर्क के। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। ये राहुल गांधी के बारे में जो मैंने बात की, उससे पहला सवाल तो इसी बात को लेकर ये है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके संसद के अंदर, संसद के बाहर नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले किए हैं, ये जो कॉन्फिडेंस उनका दिखाई पड़ रहा है, इसके पीछे का कारण आप क्या समझते हैं और क्यों आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस अब उनकी एक पहचान बनता जा रहा है? आशुतोष भाई, इस कॉन्फिडेंस के बिना के पीछे मुझे लगता है जो अभी चुनाव हुआ है और जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं, उस नतीजे को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्योंकि इस नतीजे में दो बात स्पष्ट हुए। एक, कि भारत की जनता एक दृढ़ विपक्ष का भी को भी ढूंढ रहा था, एक पावरफुल ऑपोजिशन भी हमें हमारे लोकसभा में चाहिए था, ये बात हमारे मतदार ने साफ दिखाया। और दूसरी बात, जो रूलिंग पार्टी थी उस रूलिंग पार्टी को अलायंस के एक रूप में मेजॉरिटी दिया, रूलिंग पार्टी को खुद मेजॉरिटी नहीं दिया बट अलायंस को दिया, और इससे जो कॉन्फिडेंस एक विपक्ष में बढ़ा है। और अशोक जी, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि 10 सालों के बाद किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को 10% स्थान लोकसभा में मिले, जिसके वजह से ऑपोजिशन पार्टी को ऑफिशियली ऑपोजिशन पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है और उसके लीडर को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन डिक्लेयर किया जा सकता है। ये 10 सालों के बाद हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में जो दो बार वो चुनाव जीते हैं, उन दोनों चुनावों के बाद जब लोकसभा का गठन हुआ, किसी पार्टी को ये ऑफिशियल ऑपोजिशन का स्थान नहीं मिला और
कोई भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बना। अभी ये 10 साल के बाद ये मौका मिला है और कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि राहुल गांधी को वो लीडरशिप पोजीशन देंगे। इसी कारण से मुझे लगता है जिस तरह से इस चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लीडरशिप ने एक प्रोजेक्शन देख जो किया है, वो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस हो, वो आक्रामकता हो, वो चुनाव के नतीजे से पैदा हुआ है। इसमें आशुतोष जी, मैं और एक बात जोड़ूंगा। जी प्लीज। लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे आप देखें तो उसमें हमने लोगों से पूछा था आप किसे देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, आपके नजर में कौन देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और हमने कोई नाम नहीं दिए। और नरेंद्र मोदी को चूज करना और राहुल गांधी के चूज करने के बीच में सिर्फ 14% पॉइंट का फर्क था। अगर इसी आंकड़े को आप 2004 में देखें तो 2014 में देखें तो ये फर्क 2014 में 21% था और 2019 में 24% था, जो अभी घट के 14% हो गया है फर्क मोदी और राहुल गांधी के बीच में कि लोगों के चॉइस में कौन देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सो ये भी एक फैक्टर आप देख सकेंगे कि राहुल गांधी की एक एक्सेप्टेंस का परसेंटेज थोड़ा इस बार ज्यादा दिख रहा है। चूंकि आपने सर्वे का जिक्र किया इसलिए मैं एक चीज और इसमें जोड़ देना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं वो तो और भी जबरदस्त हैं, जहां पर सिर्फ 36% लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी को लेकर सिर्फ 32% लोग, यानी उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जाते हैं, वहां राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे हैं। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, यहां पे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सपा और कांग्रेस के अलायंस ने उस वहां पे काम किया और जैसे उन्होंने साथ में काम किया और जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि गठबंधन का नेता राहुल गांधी है, वो पॉइंट को जब उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो आप जो कैंपेन में उत्तर प्रदेश में देखते हैं उसका परिणाम, जिस तरह से वोट सपोर्ट आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं, वो वोट सपोर्ट का लिंक कौन आप प्रधानमंत्री चाहते हैं उसमें वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर आप दक्षिण भारत में आए तो यही ट्रेंड आप केरला में, यही ट्रेंड आप तमिलनाडु में, ये दोनों राज्यों में आप देखेंगे। आंध्र प्रदेश में क्योंकि बीजेपी का अलायंस टीडीपी के साथ था, वहां ट्रेंड थोड़ा अलग है। और तेलंगाना में और कर्नाटका में मोदी को ज्यादा सपोर्ट रहा होगा, लेकिन राहुल को भी वहां दोनों राज्यों में काफी सपोर्ट मिला। सो उत्तर प्रदेश की एक छवि जो आप देखते हैं इस विषय पे, वो आप दक्षिण भारत में भी काफी देखेंगे। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी फाइनली एक बड़े नेता के तौर पर इमर्ज कर गए हैं? देखिए, ये थोड़ा अभी कंक्लूड करना कि वो एक बड़े नेता के रूप में आगे आ गए हैं, मुझे लगता है थोड़ा प्रीमेच्योर होगा। बट एक कॉन्टेक्स्ट, एक फ्रेमवर्क जरूर तैयार हो गया है, एक फ्रेमवर्क और कॉन्टेक्स्ट जरूर तैयार हो गया है। और जिस तरह से वो ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे, उसका कैसा वो उसमें कैसा अपना लीडरशिप को दर्शाएंगे, शायद वो डिसाइड करेगा कि ये लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट में वो कितना सफल रहेंगे। आशुतोष भाई, मैं और एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं। जी प्लीज। लीडरशिप है एक बात, उसके साथ में आई थिंक हमें ये पार्टी कंपटीशन का भी विषय जोड़ना पड़ेगा। ये जी, राहुल गांधी प्लस कांग्रेस पार्टी किस तरह से, राहुल गांधी प्लस कांग्रेस पार्टी प्लस उनका अलायंस, ये तीनों जोड़ के किस तरह से एनडीए, बीजेपी और मोदी को टक्कर देते हैं, वहां पे मुझे लगता है ये आगे किस तरह से ये डेवलप होगा उस पे डिपेंड करता है। ये मुझे लगता है इज नॉट ए
इट इज नॉट ए मोदी वर्सेस राहुल फाइट। अगर इस पे वो सीमित हो गया तो मुझे लगता है बीजेपी और मोदी को एक एडवांटेज है, क्योंकि आप 10 साल से आप लीडरशिप पोजीशन में रहे हैं। राहुल गांधी का अभी लीडरशिप पोजीशन में टेस्टिंग का काम शुरू हो गया है। सो केवल आप उसको राहुल वर्सेस मोदी बनाएं तो मुझे लगता है काफी कठिन होगा। बट अगर आप उसको राहुल प्लस कांग्रेस प्लस अलायंस बनाएं और उसके विरोध में जब मोदी प्लस बीजेपी प्लस एनडीए होता है, तब कंपटीशन की एक स्वरूप वहां बदल जाती है और ये फिर लीडरशिप एक उस कंपटीशन का लीडरशिप एक भाग हो जाता है और लीडरशिप के साथ अल्टरनेटिव पॉलिसीज, अल्टरनेटिव अलायंसेस, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, ये सब उसमें जुड़ जाता है। संदीप सर, एक चीज और सवाल यहां पे, जिस तरीके से उन्होंने अपना पहला भाषण नेता विपक्ष के तौर पर दिया, उसको आप किस नजर से देखते हैं? और उसमें जो तीन चीजें उन्होंने कही, डरो मत डराओ मत, दूसरा जो शिवजी की तस्वीर के साथ जाते हैं और बीजेपी से कहते हैं कि हिंदुत्व और हिंदू समाज सिर्फ आरएसएस बीजेपी मोदी नहीं है, तीसरा वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को संविधान विरोधी बताने की कोशिश करते हैं, तो इन तीन अगर हम पर्सपेक्टिव अगर चीजों को देखें तो कैसा था उनका भाषण और आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इन तीनों चीजों को जिन्होंने अपने स्पीच में एम्फसाइज किया, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और तीनों विषय एक आधार थे कि विपक्ष और रूलिंग पार्टी के बीच में फर्क क्या है, उसको प्रेजेंट करने में, उसको लोगों को सामने रखने में एक अपॉर्चुनिटी उनको वहां मिला। एंड तीनों विषय मुझे लगता है ये चुनाव में भी ये तीनों विषय बहुत ही प्रमुख विषय थे जिसपे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चुनाव में भी एक टक्कर आपने देखा। उसी बात को अभी उन्होंने एक्सपैंड किया अपने स्पीच में। क्लियरली लगता है कि राहुल गांधी ने काफी तैयारी की थी इस स्पीच के लिए और काफी उन्होंने फोर्सफुली इस स्पीच को पार्लियामेंट में, लोकसभा में प्रेजेंट किया। मुझे लगता है कि एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो जैसे और मैच्योर होते जाते हैं, उनके स्पीच का एक फिनेस जो है, उसके स्पीच का एक प्रेजेंटेशन का फिनेस जो है, वो थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा होता जाएगा। वो मुझे लगता है वो प्रयत्न वो जरूर करेंगे, बट एक फर्स्ट अटेम्प्ट के रूप में आई थिंक इट वॉज ए वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट के पावर को आप एक रिलेटेड डेवलपमेंट में देख सकते हैं। जिस तरह से रूलिंग पार्टी से रिस्पांस आया प्रेसिडेंशियल एड्रेस के थैंक्स मोशन में, जिस तरह से रूलिंग पार्टी से रिस्पांस आया, जिस तरह से रूलिंग अलायंस से रिस्पांस आया, आप देखिए 80% ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन अगर रूलिंग पार्टी का आप देखेंगे वो कांग्रेस पे थी जी, और उसमें सबसे ज्यादा स्पेसिफिक राहुल गांधी के स्पीच और राहुल गांधी के स्टाइल और राहुल गांधी का एक पॉलिटिकल हिस्ट्री जो पिछले 15-20 सालों में रहा है उस पे एनडीए के नेताओं ने एम्फसाइज किया। आप अगर ये भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री का एक रिस्पांस टू द डिबेट और उनका एक पार्टिसिपेशन इन द डिबेट, उसमें भी आप देखें तो मुझे लगता है मोर देन 80% ऑफ दैट स्पीच वाज डिवोटेड टू अटैकिंग द कांग्रेस पार्टी। एंड एक तरह से उनके स्पीच के बिगिनिंग में ये भी आपको देखने को मिला कि उन्होंने इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टीज को कहा कि कांग्रेस आपके कंधों में चढ़ के आगे जाने की कोशिश कर रहा है और बाद में आपको पीछे धकेल देगा। सो इट वॉज ट्राइंग टू ड्राइव दैट वेज विद इन द इंडिया अलायंस। और जो 80% मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी पे था, उसके अंदर और 80% राहुल गांधी पे ही था, डायरेक्ट अटैक राहुल।
तो एनडीए का और प्रधानमंत्री का एक प्रयत्न यह है कि एक आप इसको एक लीडरशिप फाइट बनाएं, और रूलिंग पार्टी को शायद लगता है कि अगर इसको आप एक लीडरशिप का फाइट बनाएं, वी विल हैव द अपर हैंड, उनको लगता है। इसलिए मैंने ये बात कही आपको प्रारंभ में आशुतोष जी, ये कॉम्पिटिशन एक लीडरशिप कॉम्पिटिशन केवल नहीं बनना चाहिए अगर ऑपोजिशन को सक्सीड होना है। इसलिए मैंने कहा राहुल प्लस कांग्रेस प्लस अलायंस, ये होना चाहिए कोएलिशन फाइट के लिए। और एक बात आखिर बात इस पे जो आपने प्रश्न पूछा उस पे मैं बताना चाहता हूं आशुतोष जी। जी मुझे आपको ये लगता है या नहीं मुझे मालूम नहीं, पर जब मैंने डिबेट देखा, स्पेशली द फाइनल स्टेज ऑफ डिबेट देखा, बॉडी लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग पार्टी वॉज नॉट ऑफ द सेम गस्टो एंड कॉन्फिडेंस लाइक इन द पास्ट। आप दूसरा बेंच और तीसरे बेंच को देखें, जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे दूसरे बेंच तीसरे बेंच को देखें, पिछले लोकसभा में या 2014 से 19 के लोकसभा में जिस गस्टो, जिस एंथुजियाज्म, जिस जोश से मंत्री हो, बीजेपी के सीनियर लीडर्स हो, रिस्पॉन्ड कर रहे थे प्रधानमंत्री के भाषण पे, वो मुझे इस बार थोड़ा कम लगा। आई डोंट नो इफ इट इज अ रॉन्ग परसेप्शन, बट मुझे तो लगा कि थोड़ा कम है। और क्या वो स्लोगनियरिंग के वजह से था, क्या ये बैकग्राउंड नॉइज के वजह से था? और मुझे ये भी लगा कि प्रधानमंत्री जिस एक फोर्सफुलनेस से पहले लोकसभा में बात करते थे, वो फोर्सफुलनेस इस एक स्पीच में उतना मैंने देखा नहीं। आई डोंट नो इफ आई एम रीडिंग टू मच इनटू द सिचुएशन, बट एक तरह से ये छोटा सटल चेंज मैं देख रहा हूं। लेकिन जो बात आपने कही, आपने बहुत अच्छी और बहुत दिलचस्प बात की, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी की लीडरशिप को एंडोर्समेंट अगर आप देखें तो शरद पवार की तरफ से भी मिल रहा है, स्टालिन बहुत पहले से उनको उनको एंडोर्स कर रहे हैं, तो क्या अब वो विपक्ष की तरफ से एक, 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 एक सारे लोगों के द्वारा या एक्सेप्टेबल लीडर हो गए हैं क्या? सिर्फ मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, सारे इंडिया अलायंस की तरफ की भी बात कर रहा हूं मैं। आशुतोष भाई ये तीन विषयों पे डिपेंड होगा। एक, किस तरह से राहुल गांधी अलायंस के दूसरे मेजर पार्टनर्स और लीडर्स के साथ क्रिटिसिज्म और चैलेंज टू द गवर्नमेंट जब करते हैं, किस लिमिट तक या किस एक्सटेंट तक वो अपने साथ दूसरों को साथ लेके जाते हैं? क्या ये पहले से थोड़ा चर्चा होती है उनके बीच में कि हम किन विषयों को उठाएं? क्या ये डिस्कशन होता है कि क्या इन विषयों को हम साथ में लें? क्या राहुल गांधी आपके स्पीचेस में आगे से केवल कांग्रेस के बारे में बात ना करें पर अलायंस के बारे में बात, अलायंस के नाम पे बात करें? ये मुझे लगता है पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर होगा फ्लोर पे कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अलायंस पार्टनर्स। अभी कई विस्पर शुरू हो गए हैं कि क्या टीएमसी इनके साथ है, क्या टीएमसी सपोर्ट कर रही है। एक न्यूज ये भी आया था कि टीएमसी को लगा कि उनको कंसल्ट नहीं किया गया जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाना है। सो ये सेकंड पॉइंट ये रहेगा मुझे जी, उनका सक्सेस इस पे डिपेंड करेगा कि क्या वो पार्टनर्स के बीच में एक कॉमन स्ट्रेटजी ला सकेंगे। पहला लीडरशिप साथ में आ सकता है, दूसरा पार्टी स्टार्ट में आ सकता है, और तीसरी अगले एक दो सालों में आशुतोष जी काफी राज्यों में चुनाव होगा। मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख, और इन कई राज्यों में टक्कर अलायंस पार्टनर्स के बीच में है जी। और अलायंस पार्टनर्स को साथ में यहां काम करना पड़ेगा।
इस साल में वो हरियाणा में हो, झारखंड में हो, महाराष्ट्र में हो, अगले साल दिल्ली में हो, और अलग आगे बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, इन राज्यों में ये ऑपोजिशन अलायंस के जो पार्टीज हैं वो किस तरह से इन राज्य चुनाव में साथ में आएंगे, तो क्योंकि उस यूनिटी का एक इंपैक्ट शायद नेशनल पॉलिटिक्स में भी दिख सकेगा। सो आपका प्रश्न का जवाब मुझे लगता है इन तीन पॉइंट्स पे रिवॉल्व करते हैं, लीडरशिप यूनिटी, पार्टी यूनिटी एंड स्टेट लेवल यूनिटी। अगर ये तीनों साथ में आए तो शायद एक स्ट्रॉन्ग वायबल स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव यहां डेवलप होने की एक संभावना इस संदर्भ में है। संदीप भाई, एक सवाल यहां पर और भी है, क्या कांग्रेस पार्टी अब आइडियोलॉजिकली भी उसमें ज्यादा क्लैरिटी दिखाई पड़ रही है और उसका बहुत कुछ क्रेडिट राहुल गांधी को देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो संविधान की कॉपी लेकर पूरे चुनाव में घूमे हैं, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी वो कॉपी लेकर घूम रहे थे, साथ ही साथ वो कास्ट सेंसस को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं, लगातार वो बीजेपी का जो हिंदुत्व है उस पर अटैक कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं जो पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो ये जो क्लैरिटी है क्या ये दिखाई पड़ रही है अब, और ये बीजेपी के लिए वाकई में सबसे बड़ा दिक्कत का दिक्कत की चीज हो सकती है आने वाले भविष्य में? आशुतोष भाई, क्लैरिटी तो अब तक जरूर दिख रही है। एक मैं आपसे डिफर करूंगा, ये क्लैरिटी पार्टीज पर्सपेक्टिव से लीडरशिप प्रोजेक्ट कर रही है कि लीडरशिप पर्सपेक्टिव से पार्टी प्रोजेक्ट कर रही है, मुझे लगता है पहली बात है। आई थिंक राहुल गांधी के एडवाइजर्स में जो पार्टी में हैं वो सही दिशा वहां दिखा रहे हैं उनको, लीडरशिप को, कि शायद इस मार्ग पे आप गए तो अच्छा रहेगा, अगर आपने इन विषयों को उठाया अच्छा रहेगा, और लीडरशिप पार्टी की बात मान रहे हैं। मैं एक ही उदाहरण दूंगा इसके लिए, जब पिछले साल कर्नाटका में चुनाव हुए थे, जब राहुल गांधी ने पहली स्पीच कर्नाटका में की थी, उस स्पीच में उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे उठाए थे, अदानी के बारे में बात किया था, काफी कुछ कहा था। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे आगे स्पीचेस में आप एक बदलाव देखते हैं, क्योंकि राज्य के लीडर्स ने राहुल गांधी जी को कहा था, देखिए आपको जिन विषयों को आपने पहले स्पीच में कहा था उसको छोड़ के आपको लोकल इश्यूज पे आना पड़ेगा, और वही उन्होंने अपने स्पीचेस में उसके बाद किया। तो यहां मुझे लगता है ये जो बदलाव आप कह रहे हैं, जो फोकस आप देख रहे हैं, मैं वो पार्टी और अलायंस को दूंगा रादर देन लीडरशिप को। लीडरशिप ये बात मान के चल रही है कि जो पक्ष मुझे कह रहा है करने के लिए वो सही कह रहा है, और पक्ष की बात को लीडर मान रहा है, वो मुझे लगता है एक अच्छा संकेत है। क्या ये संकेत आगे के दिनों में भी दिखेगा कि एक बार आप लीडर बन गए अब मैं फैसला करूंगा, अगर ये चेंज आ गया तो मुझे लगता है समस्या है। बट जो भी बातें आपने कही वो सच है, और सच है इस कारण के लिए कि लीडरशिप पार्टी की बात को, पार्टी में उभर रहे विचारों को रिस्पेक्ट कर रही है और उसको प्रोजेक्ट कर रही है। एक और बात यहां, आगे के महीनों में जिस तरह से गवर्नमेंट पे अटैक होता है, क्या राहुल गांधी उसमें एक फिनेस, मुझे हिंदी में सही शब्द आ नहीं रही है, एक फिनेस क्या ला सकते हैं उसमें? बिकॉज कभी कभी वो फिनेस जब नहीं होती है तब उनको बैकफुट पे जाना पड़ता है उन विषय में। सो फिनेस की जरूरत शायद
एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो डेवलप कर सकेंगे तो शायद उनका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप शास्त्री जी इतने अच्छे तरीके से चीजों को सामने रखने के लिए। अभी तो बहुत लोकसभा का चुनाव हुआ है, कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, कांग्रेस पार्टी में एक नया कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ रहा है, सरकार पे बड़े हमले कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रह पाती आने वाले 6 महीने में देखना होगा, क्योंकि कई राज्यों के चुनाव हैं और उनमें अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन के साथियों के साथ अगर कुछ नई लीड ले पाती है तब ये जरूर माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप और उसमें राहुल गांधी की लीडरशिप अब नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार सर।